तो आज हम सीखेंगे एक्सेल में फॉर्मेट एस टेबल। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें करना क्या है, देखिए मैंने टेबल बना रखी है और टेबल बनाने के बाद आपको करना क्या है, आप जहां पर टेबल स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं आप उस रेंज को सेलेक्ट कीजिए और मैं यहां से जाता हूं फॉर्मेट एस टेबल में और जो भी आपको स्टाइल पसंद आए आप उसे यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दो चीजें देखें, देखिए जो रेंज मैंने सेलेक्ट कर रखी है वो तो ये यहाँ आ रही है। दूसरी चीज देखेंगे यहाँ पर टिक हो रहा है माई टेबल हैज हेडर, इसका मतलब ये है कि जो मेरी टेबल है उसके देखिए हेडर है प्रोडक्ट Q1 Q2 Q3 Q4 Q2 से। ठीक है, अगर आपकी टेबल के पास हेडर नहीं है तो आप यहाँ से क्लिक हटा भी सकते हैं, अगर आपकी टेबल के पास हेडर है तो आप यहाँ पर टिक रहे, ऑटोमेटिकली रहने देता हूँ मैं और इसको ओके प्रेस कर देता। तो देखिए जो भी वहां पे टेबल की स्टाइल अप्लाई थी वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। ठीक है, स्टाइल अप्लाई करने के बाद मैं आपको एक और इसका रीजन बता देता हूँ। ठीक है, अब कभी भी अगर आप यहाँ से कोई सेल रेंज पिकअप करेंगे तो वो पहले क्या होता था, जैसे कि सेल का नाम आता था, कैसे मैंने इक्वल दबाया और कोई भी सेल लिया, तो देखिए इस तरह से आ रहा है H, ये H और ये 6। ठीक है, पर अब वो कंडीशन नहीं आएगी। अगर अब मैं ट्राई करता हूँ, देखिए इक्वल कोई भी टेबल में से सेल ले लेते हैं हम, किसी पर भी क्लिक कर देते हैं, तो अब आप देखेंगे टेबल 1 एट द रेट टोटल सेल के अंदर आपका ये सेल आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरी टेबल पे स्टाइल भी इस तरह की लगी रहे और मेरी जो नॉर्मल रेंज है वो भी काम करे, तो आपको करना क्या है, आप फिर से टेबल को चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप ओनली क्लिक भी कर सकते हैं अंदर टेबल के। और देखिए जैसे ही आप अंदर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक टूल दिखाई देगा ऊपर टेबल टूल्स, यहाँ से आपको डिजाइन में जाना है और यहाँ से आप क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू रेंज पर, मैं यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज पर क्लिक कर देता हूँ और इसको यस कर देता हूँ। अब देखिए अब हम ट्राई करते हैं कोई सेल लेने के लिए, तो अब देखें अब आप नॉर्मली कोई भी सेल आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको टेबल के बारे में और बताऊंगा।